के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून पास किया और पूरे देश से आग्रह किया कि जो नकल करने वाले लोग हैं उसको सभी राज्यों से भी पारित होने चाहिए, वहां भी कानून बनाने का काम किया जाए। तोड़ जुर्माना हो सकता है और कानून इतना सख्त है कि भविष्य में कोई गड़बड़ी करने की शायद ही हिम्मत जुटा पाए। बिहार विधानसभा से नए कानून के प्रस्ताव पारित हो गए हैं। अब बिहार में पेपर लीक करने वाले के लिए खैर नहीं, करोड़ रुपया जुर्माना देना पड़ेगा और 10 साल की सजा भी होगी। आज जब यह प्रस्ताव पारित हुआ उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने इसको लेकर कहा और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने भी बताया है कि ये कानून जो है वो देश के हर राज्यों में पारित किया जाएगा और सदन में यानी संसद में दिल्ली में भी जो है वो प्रस्ताव पारित होंगे और सख्त कानून बनाए जाएंगे जिससे 1 करोड़ रुपया जुर्माना दिया देना पड़ेगा और 10 साल की सजा भी होगी जो इसमें संलिप्त रहेगा। हालांकि कानून तो कई हैं, मर्डर का भी है, कई तरह के कानून बने हैं, हालांकि जो भी चीज़ें हैं वो होती ही हैं, लेकिन विजय चौधरी और सम्राट चौधरी दोनों क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कानून पास किया और पूरे देश से आग्रह किया कि जो नकल करने वाले लोग हैं उसको सभी राज्यों से भी पारित होने चाहिए, वहां भी कानून बनाने का काम किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि यहां भी इस तरह की व्यवस्था किया गया कि कोई भी परीक्षा में नकल करना, परीक्षा में गड़बड़ी करना और उसी तरह की अव्यवस्था फैलाना नियुक्ति में या किसी परीक्षा में, उस पर कठोर कार्रवाई करने का काम स्वाभाविक है। देखिए स्वाभाविक है, उनको जन कल्याण से कोई मतलब नहीं। 15 साल तक लालू जी का राज रहा इस बिहार में, गुंडागर्दी और अपराधीकरण कराने का काम किया और उसी तरह आज जब कानून बन रहे थे तब भी बिहार में महागठबंधन के लोग इससे बाहर रहे। कानून बहुत ही उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, प्रभावी है कि परीक्षाओं में जो लोक परीक्षाएं होती हैं जिसके माध्यम से नियुक्तियां होती हैं, नामांकन होता है, उसमें गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है और ये कानून इतना सख्त है कि इसमें जो सजा का प्रावधान है उसे देखकर गड़बड़ी करने वालों के हलक सूख जाए। विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया कानून, पता नहीं उनको गड़बड़ी करने वालों से क्या हमदर्दी थी। छोड़ जुड़वाना हो सकता है और कानून इतना सख्त है कि भविष्य में कोई गड़बड़ी करने की शायद ही हिम्मत जुटा पाए।